हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये कमेंट करके सवाल पूछा था कि कई अकाउंटेंट लोग ऐसे होते हैं जो टेली सॉफ्टवेयर में सेल बिल की एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में और जर्नल वाउचर में पास करते हैं, जबकि हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल बिल की एंट्री करने के लिए सेल वाउचर का ऑप्शन है जो दिया होता है, लेकिन फिर भी वो सेल वाउचर को चूज ना करके रिसिप्ट वाउचर और जर्नल वाउचर में ही एंट्री क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन का सवाल का जवाब जरूर देंगे और हम आप ये भी जानेंगे कि हम रिसिप्ट वाउचर में सेल वाउचर की एंट्री किस तरीके से करते हैं और जर्नल वाउचर में एंट्री किस तरीके से करते हैं और किस टाइप की कंपनी की अकाउंटिंग रिसिप्ट वाउचर और हम जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। हालांकि सेल ऑप्शन बिल्कुल सभी के लिए सेम होता है, लेकिन रिसिप्ट वाउचर और जर्नल वाउचर में भी हम सेल वाउचर की एंट्री को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी में हमने एक सेल वाउचर की एंट्री पास करी हुई है, उसको हम ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम टोटल सेल को देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फीचर्स का हम यूज़ करेंगे और उसके बाद आप देख रहे हो हमने एक सेल वाउचर की एंट्री करी हुई है यहाँ पर 200 रुपये की। और ये जो एंट्री है, ये हमने प्रॉपर सेल वाउचर में ही एंट्री पास करी है, कैश की सेल है और ये हमारी 200 रुपये की सेल है और इसके ऊपर हमने 3600 रुपये का टैक्स है जो कस्टमर से चार्ज किया हुआ है। तो ये जो 200 रुपये का जो हमने सेल करी है, इसका इफेक्ट एक बार अभी GST रिपोर्ट पे हम देखेंगे और उसके बाद में हम रिसिप्ट वाउचर में भी एंट्री करेंगे और जर्नल वाउचर में भी एंट्री करके आपको बताएंगे और उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है और किस टाइप की कंपनी की जो अकाउंटिंग है वो जर्नल वाउचर में और रिसिप्ट वाउचर में होती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, GST रिपोर्ट पर हम जाएंगे और एक बार GST R1 को भी हम ओपन कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक सिंगल वाउचर काउंट आपके सामने हो रहा है और 200 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू आ रही है। और ये ट्रांजैक्शन हम 3BBM देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको टैक्सेबल वैल्यू 200 रुपये और 3600 रुपये इसके टैक्स के अमाउंट है, यानी कि एक सिंगल एंट्री हमने सेल वाउचर में यहाँ पर पोस्ट करी है, ये एंट्री है। अब हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो दोस्तों, अब रिसिप्ट वाउचर में और जर्नल वाउचर में जो अकाउंटेंट लोग एंट्री पास करते हैं, ये एंट्री सबसे पहले जो टेली सॉफ्टवेयर का जो स्टार्टिंग के जो वर्जन थे, टेली 4.5 वगैरह, उनके अंदर इस टाइप के अकाउंटिंग को ट्रांजैक्शन करते थे और उसके अंदर जिस ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन होती है ज़्यादातर, जिस कंपनी के पास GST का कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि वो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं, उनको केवल और केवल अपना सेल का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ही उनको ऑप्शन चूज करना होता है। तो दोस्तों, अब दो प्रॉब्लम आती है, अगर आपने कैश में सेल करी है तो आप रिसिप्ट वाउचर का यूज़ कर सकते हो, अगर आपने उधार में यानी कि क्रेडिट में अगर आपने सेल करी है तो हम उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में भी पास कर सकते हैं। लेकिन जबकि हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल वाउचर की एंट्री करने के लिए सेल्स वाउचर का ऑप्शन दिया होता है, तो हमें सही तरीके से, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होता है कि हमें जो प्रॉपर सेल होती है वो हमारी सेल वाउचर में ही हमें पास करनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने हमारे से ये सवाल किया था भी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री क्यों पास करते हैं, तो वो ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग को पास करते हैं जहाँ पर अनरजिस्टर्ड होती है, वो कंपनी के पास GST नंबर कुछ भी नहीं होता, यानी कि उनको GST से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि हम रिसिप्ट वाउचर में सेल वाउचर की एंट्री को किस तरीके से पास करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम जाएंगे वाउचर पर और सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप देखो सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर जैसे हमने सेलेक्ट किया तो वाउचर नंबर हमारे पास आ गया 9, जबकि हमारे पास एक सेल हमने करी है तो सेल हम सेकेंड इनवॉइस अगर हम करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर इनवॉइस बनना चाहिए। तो ये आपका सीरीज थोड़ा सा चेंज हो सकता है अगर आपने मिक्स सेल कर दी कहीं जर्नल वाउचर में, कहीं रिसिप्ट वाउचर में या कभी सेल वाउचर में, तो यहाँ दिक्कत आती है, पहला नुकसान होता है ये। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं इसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेथड मतलब लागू हो जाता है जो प्रॉपर हम अकाउंट सीखते वक्त जो हम करते हैं डेबिट और क्रेडिट वाला रूल, यानी कि डबल मोड में जो ट्रांजैक्शन हम फॉलो करते हैं वो वाला। तो रिसिप्ट की कंडीशन में हमें क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देगा यहाँ पे 2, तो 2 का मतलब क्रेडिट, हमें क्रेडिट कौन से लेजर को करना है। तो जैसे बात है दोस्तों, हम सेल लेजर को क्रेडिट करते हैं, तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक लोकल की सेल हमने करी थी उसी सेल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे,
जैसे कि जीएसटी 18% लोकल की सेल है। अब उसके बाद में यहाँ पर आएगी अकाउंटिंग। तो दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम आती उन अकाउंटिंग की भी होती है जहाँ पर उनको इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि वो स्टॉक आइटम को मेंटेन नहीं करते हैं। अब मान लीजिए आपको भी मेंटेन नहीं करना तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब उसके बाद मान लीजिए आपने टोटल नेट सेल करी है 500 रुपये की, और आपने मान लीजिए कैश में सेल करी है, तो आप क्या करोगे, सेल को हम क्रेडिट करेंगे और कैश के लेजर को हम डेबिट करते हैं। ये एंट्री हमने पास कर दी। तो इस टाइप की, यानी कि आपको न तो उसमें कोई जीएसटी का लेना देना और न ही आपको इसमें कोई इन्वेंट्री का लेना देना, नहीं कोई आपको जीएसटी एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी का लेना देना है। और उसके बाद में अगर आपने कोई उधार में सेल करी है तो उस कंडीशन में F7 हम यूज़ करेंगे, और इस कंडीशन में हम उस कस्टमर को डेबिट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, एक कस्टमर का लेजर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे सुदेश कुमार के नाम से। ऑलरेडी कस्टमर है तो हमारे पास यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सुदेश कुमार को और डेबिट करेंगे। मान लीजिए इसको भी हमने 600 रुपये की सेल करी है तो सुदेश कुमार को हम 600 रुपये से डेबिट करेंगे, और देन हमारी जो सेल का लेजर हमने क्रिएट किया 18% उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से टोटल अब सेल हमारी कितनी होगी उसको हम इफेक्ट एक बार देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अभी आप देख रहे हो जो टोटल सेल है वो हमारी 1300 रुपये की सेल हो चुकी है, और उस पर हम इंटर प्रेस करेंगे तो आपको तीन वाउचर नजर आएंगे, तीनों एक सेल वाउचर में एंट्री, एक रिसिप्ट वाउचर में और एक जर्नल वाउचर में, और तीनों की जो वैल्यू है वो भी अलग अलग है, 200 रुपये, 500 रुपये और 600 रुपये। तो अब टोटल हमारी सेल तो 1300 रुपये हमें पता चल गई भी 1300 रुपये की सेल हमारी हुई है, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, जीएसटी रिपोर्ट पे। अगे इस कंडीशन में हम देखें तो, क्योंकि अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो उसका तो वो जीएसटी से लेना देना नहीं है, लेकिन हम हमारे अभी जो कंपनी हमने क्रिएट कर रखी है ये हमारी रेगुलर रजिस्टर्ड पार्टी है, तो इसका अगर हम इफेक्ट देखें ना जीएसटी पे तो वहाँ पर हमें इसका एरर शो करता है। सबसे पहले हम एक बार GSTR 1 को देख लेंगे। तो जैसे हम 1 को देखेंगे तो आपको अभी भी 200 रुपये की यहाँ पर सेल ट्रांजेक्शन दिखाएगा जो हमने स्टार्टिंग में इनवॉइस देखा था, और यहाँ पर आपको दो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन को दिखाएगा भी आपको यहाँ पर इस दो वाउचर में करेक्शन करने की आपको ज़रूरत है। एंटर प्रेस करेंगे और दोनों वाउचर आ जाएंगे। अब इस कंडीशन में आपको ये कुछ वार्निंग देगा भी टैक्स की कैलकुलेशन एज पर कैलकुलेशन 90 रुपये और एज पर ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है, यानी कि 90 रुपये टैक्स बनना चाहिए था, 45 रुपये वो आपने नहीं लगाया, और दूसरे वाउचर की कंडीशन में 54 रुपये का टैक्स बनना चाहिए था ये आपने नहीं लगाया। तो अगर आप मान लीजिए इस पर टैक्स की कैलकुलेशन हम करते हैं तो इसी वाउचर को हम ओपन करेंगे, 18% की आपकी सेल थी। अब मान लीजिए आपने इसके ऊपर टैक्स लगाया 18% का, या सेल हम कर रहे हैं तो 500 रुपये का 18%, तो ये बनेगा 90 रुपये, और 90 रुपये यानी कि 45 रुपये सीजीएसटी टैक्स और 45 रुपये एसजीएसटी टैक्स। तो अगर इसकी टैक्स की कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर देते हैं, मान लीजिए 2 सीजीएसटी टैक्स अगर हम करते हैं 45 रुपये, और उसके बाद में फिर अगर हम टैक्स को क्रेडिट करते हैं एसजीएसटी टैक्स को 45 रुपये से, और उसके बाद हम कैश को डेबिट करेंगे 590 रुपये से और एंट्री पास करेंगे, तो वो ट्रांजेक्शन अब आपकी जीएसटी रिटर्न के अंदर एड हो जाएगी 700 रुपये की ट्रांजेक्शन आगे, यानी कि 200 रुपये फर्स्ट इनवॉइस था और 500 रुपये अभी जो हमने एंट्री को करेक्शन उसमें नीड कर दी। और अभी आपके सामने एक ट्रांजेक्शन अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, अगर उसको भी हम ओके करेंगे, यानी कि इसके अंदर भी हम अगर 54 रुपये का टैक्स की कैलकुलेशन हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो 54 रुपये अगर हम करेंगे तो जो टोटल वैल्यू हमारी बनेगी 54 + 54 + 600, तो कस्टमर को हमें डेबिट करना पड़ेगा 708 रुपये से। तो हम यहाँ पर रखेंगे 708 रुपये, देन सेल आपकी जो रहने वाली है वो 600 रुपये की, उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स को क्रेडिट, तो ये सब कुछ आपको अब मैन्युअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। एसजीएसटी 54 रुपये ओके करेंगे, तो अब आपकी जो टोटल वैल्यू है 1300 रुपये की जो सेल वैल्यू है वो सारी की सारी अब आप इसके तीन वाउचर काउंट हो गए और 1300 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू और सभी टैक्स के अमाउंट यहाँ पर आ चुकी है। यानी कि वाउचर की एंट्री तो हम सेल वाउचर के अलावा रिसिप्ट वाउचर में और जनरल वाउचर में पास तो हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ आपको मैन्युअली करना पड़ेगा अगर आप एक किसी रजिस्टर्ड जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हो। तो मेरा जो सवाल कहने का मतलब ये हो गया भी इस टाइप की जो अकाउंटिंग है वो ऐसे लोग ही करते हैं जिनको इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं होता, और दूसरा
उनको जीएसटी से संबंधित कोई लेना देना है तो उनको ना तो कोई जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, ना कोई 3B वगैरह तैयार करना है, ना कोई जीएसटी का टैक्स डिपॉजिट कराना। केवल अनरजिस्टर्ड कंपनी की ही वो अकाउंटिंग को इस टाइप में मेंटेन करते हैं। और ये जब जीएसटी टेली के जो स्टार्टिंग के जो सॉफ्टवेयर थे टेली 4.5 वगैरह जो कि विंडो बेस्ड थे उस डॉस बेस्ड थे उस कंडीशन में ये जो रिसिप्ट वाउचर की और जनरल वाउचर का सबसे क्रेज उसी वक्त सबसे ज्यादा था। तो अगर उन लोगों ने प्रैक्टिस अपनी जो डॉस बेस पे 4.5 की टेली उन्होंने अगर चलाई हुई है तो इस टाइप के जो अकाउंटेंट लोग होते हैं वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी इसी टाइप की अकाउंटिंग को ही मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर सही तरीका तो यही होता है कि हमारे पास जब सॉफ्टवेयर ने सेल वाउचर की एंट्री करने के लिए सेल का वाउचर का ऑप्शन हमें दे दिया है तो हमें उसको यूज करना चाहिए सेल वाउचर का, क्योंकि सेल वाउचर में एंट्री हम चाहे आपने कैश में सेल करिए तो भी हम सेल वाउचर को यूज करते हैं, चाहे आपने क्रेडिट यानी कि उधार में अगर कोई सेल करिए तो उस कंडीशन में भी हम सेल वाउचर का यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है चाहे वो कंपनी अनरजिस्टर्ड है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।